नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम नीतीश ने किया नमन। मिशन दक्ष के तहत 15 अप्रैल से 15 मई तक विशेष कक्षाएं होंगी संचालित। एनटीए ने जेई मेन के प्रश्न पत्र आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स किए जारी। जाने कब होगी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की शेयर की ये तस्वीर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम नीतीश ने किया नमन। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 4 अधिकारियों का तबादला बिहार सरकार द्वारा किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी की है, जहां पता चला है कि तबादले के बाद इनमें से 3 अधिकारियों को विभागों में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि दयानिधान पांडे को लघु संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। पहले ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव थे। वहीं गिरिवर दयाल सिंह को राजस्व पार्षद के सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर असीमा जैन को नगर विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अनिल झा का तबादला एकायुक्त के तौर पर हुआ है। एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला आया सामने। लोकसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस को भी शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये मामला बिहार की सीमा पर स्थित चांद दियर पुलिस चौकी के पास यूपी बिहार को जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु के पूर्वी छोर पर बिहार के सारण जनपद के मांझी थाना का है, जहां यूपी की तरफ से आ रही एम्बुलेंस की छानबीन हुई तो इसके अंदर 194 लीटर शराब पाए गए। साथ ही शराब तस्कर को रोगी बनाकर एम्बुलेंस में लटाया गया था। रोगी के रूप में लेटे हुए शराब तस्कर के माथे पर पट्टी बंधी थी और पानी का बॉटल लटका हुआ था। एम्बुलेंस पर शक होने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो बताया गया कि रोगी की हालत गंभीर है और इसे पटना के डॉक्टर से दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जब उत्पाद विभाग ने एम्बुलेंस को हैंड होल्डर स्कैनर से स्कैन किया तो पाया गया कि तहखाने में शराब की बोतलें रखी हैं। फिलहाल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और मामले की पूछताछ अभी चल रही है। मिशन दक्ष के तहत 15 अप्रैल से 15 मई तक विशेष कक्षाएं होंगी संचालित। बिहार के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक विशेष कक्षाओं का संचालन होगा। ये विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत चलाई जाएंगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को उनके हस्ताक्षर से फर्जी प्रेस नोट जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि 15 अप्रैल से 15 मई तक एमडीएम संचालन का निर्देश फर्जी है। इसमें शिक्षा विभाग के असली पत्र को ही फर्जी बताते हुए खंडन भी कर दिया गया। फर्जी वायरल खबर में दुष्प्रचार किया गया है कि स्कूलों में पूर्व घोषित ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से 15 मई तक है। आगे उन्होंने कहा कि फर्जी प्रेस नोट को विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण से अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का हुआ भंडाफोड़। अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का बिहार के पूर्वी चंपारण में भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 5 सातिरों को गिरफ्तार किया है। ये 5 सातिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी करते थे। इन्हें इस बात का निर्देश पाकिस्तान में बैठे आकाओं के जरिए मिलता था। इस मामले की जानकारी एक प्रेस वार्ता के जरिए चंपारण के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि सातरों के विभिन्न बैंकों में 31 खाते चिन्हित किए गए हैं। इन खातों में करोड़ों के लेन देन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस मामले में जिन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई उसमें छौरा दानों के भूषण राम, बंजरिया थाना क्षेत्र निवासी समीर आलम, वसीन अख्तर, मोहम्मद असगर और दरपा थाना क्षेत्र के हैदर अली का नाम शामिल है। एनटीए ने जेई मेन के प्रश्न पत्र आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स किए जारी। जेई मेन अप्रैल सत्र के प्रश्न पत्र प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 से 9 अप्रैल तक प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में जेई मेन अप्रैल बी बीटेक परीक्षा आयोजित हुई थी। विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के साथ ही जेई मेन अप्रैल के सभी प्रश्न पत्रों के प्रोविजनल आंसर की को एनटीए की ओर से पारदर्शिता दिखाते हुए जारी किया गया है। 25 अप्रैल को जेई मेन अप्रैल सेशन का परिणाम जारी किया जा सकता है। उसके बाद 27 अप्रैल से जेई एडवांस के आवेदन शुरू हो जाएंगे। छठ की संध्या अर्घ्य सतवारी और नवरात्र के छठे दिन के साथ आज का दिन है खास। नहाए खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ का तीसरा दिन है।
आज छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। बता दें कि कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चौथे दिन छठ के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इसके अलावा पूरे बिहार में सतवानी भी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि हर वर्ष इसी समय में नई फसल काटने की खुशी में सत्तू और आम की चटनी खाने के साथ ही सतवानी मनाने की परंपरा है। इस दिन लोग देवता को सत्तू का भोग लगाकर लोग प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। वहीं 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आज नवरात्रा का भी छठा दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विशेष महत्व है। सरकारी स्कूल के 59 प्रधानाध्यापकों से इस मामले में मांगा गया स्पष्टीकरण। मध्याह्न भोजन योजना संचालन का फीडबैक मांगने के लिए सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को कॉल किया गया था, लेकिन 59 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब इस मामले को लेकर इन 59 प्रधानाध्यापकों से 2 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। मध्याह्न भोजन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चंदन कुमार द्वारा इस पत्र को जारी किया गया है। पत्र के जरिए चंदन कुमार ने कहा है कि IVRS समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि 59 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ने 8 अप्रैल को मध्याह्न भोजन योजना संचालन से संबंधित दोपहर की कॉल का जवाब नहीं दिया अथवा रिसीव नहीं किया। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई इन पर की जाएगी। जाने कब होगी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। राज्य में 1,87,615 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को पास किया है। अब चुनाव के बाद इन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि इन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी चुनाव से पहले ही थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को इसकी अनुमति नहीं दी है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन काउंसलिंग कराने के लिए अनुमति नहीं मिली। जमुई में आयोजित सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जमुई के अलीगंज, तारापुर और गया के गुरुआ हाई स्कूल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा शनिवार को आयोजित हुई थी। आयोजित सभा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 15 अगस्त से हम 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। केंद्र की मोदी सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये सरकार गरीब विरोधी है। हम कलम बांटते हैं, बीजेपी वाले तलवार बांटेंगे। रामनवमी आने वाला है, देख लीजिएगा। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा करते हुए ये भी कहा कि हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी, 10 फसलों की MSP तय करेंगे, 2024 के चुनाव के लिए दिए गए 24 वचनों को मैं पूरा करूंगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों के लिए खास ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र में मध्य, उच्च और निम्न वर्ग के बुजुर्गों के लिए भी खास ऐलान किया गया है। इस संकल्प पत्र को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि भाजपा विकास और विरासत दोनों में विश्वास रखती है। पीएम मोदी ने बताया कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे अपने बीमारियों का इलाज कैसे कराएंगे, इसलिए बीजेपी ने अब ये संकल्प लिया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फैसला लिया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट पवन सिंह के इस पोस्ट को लेकर यूजर्स उन्हें कस रहे तंज। अभी हाल में ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि काराकाट से NDA की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब काराकाट सीट को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। इसी बीच पवन सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता को पोस्ट किया। पवन सिंह ने लिखा कि कठिन निर्घोष हूँ भस्म असनी का प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। आगे उन्होंने लिखा कि रामधारी जी की ये कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। पवन सिंह के इस पोस्ट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जहां अधिकतर लोग उन्हें तंज कसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें पहले बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उसके अगले ही दिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी के संकल्प पत्र पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तंज। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के साथ ही विपक्ष उस पर तंज कस रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि घोषणा पत्र में इधर उधर की बातें हैं, इसमें ना तो युवाओं के लिए कुछ बातें हैं और ना ही गरीबों के लिए और ना किसानों के लिए। तेजस्वी ने कहा कि घोषणा पत्र के 60% युवाओं के बारे में कुछ नहीं है, 80% किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कितनी नौकरी देंगे इसकी कोई चर्चा नहीं है, गरीब प्रदेशों के लिए कुछ नहीं है। राजद से एक और नेता हुए बागी। लालू यादव पर लगाए कई गंभीर आरोप। राजद पार्टी से इस वक्त की एक बड़ी खबर।
राजद से एक और नेता हुए बागी, लालू यादव पर लगाए कई गंभीर आरोप। राजद पार्टी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी के साथ बगावत कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी और लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लालू यादव असल में पारिवारिक न्याय के पुरोधा है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बदले आयातित लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। राजद से बागी हुए इस नेता के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की शेयर की ये तस्वीर। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ना जाने कितने खिताब अपने नाम किए। इसमें T20 वर्ल्ड कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। अभी हाल में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर बीसीसीआई ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में महेंद्र सिंह धोनी 2011 विश्व कप की ट्रॉफी को छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को देखकर कई क्रिकेट फैंस इमोशनल हो गए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा है कि एमएस धोनी विश्व कप ट्रॉफी एक दूसरे के लिए बने। भारतीय क्रिकेट टीम में आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकसोर महतो, अनवर करीम खान, गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद अरमान, राजेश मांझी, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा, सादुल्ला पालवी, अशोक कुमार जायसवाल, नरेश मुर्मू। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या करते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।